अच्छा प्रीत, और बताओ कहाँ चले घूमने के लिए? अरे नहीं यार, आज बहुत हो गया, अब मुझे घर छोड़ दो। यार अभी तो हमें एक ही घंटा हुआ है, चलते हैं ना कहीं और घूमने के लिए। पर... अरे रोको रोको रोको, क्या हुआ? वो देखो वहाँ, वो लड़का कितने अच्छे स्टंट कर रहा है। यार स्टंट तो अच्छे कर रहा है वो। काश यार तुम भी कर पाते तो फिर तुम मुझे भी सिखाते, पर तुम्हें तो बाइक भी नहीं आती अच्छे से चलानी। यार आपको पता है स्टंट करना कितना डेंजरस है, जरा सा बैलेंस खराब हो जाए तो कितनी चोट लग सकती है। यार मुझे नहीं पता, तुम स्टंट सीखो और फिर मुझे भी सिखाना। यार मैं कोई स्टंट नहीं सीख रहा। यार तुम कितने डरपोक हो, उसको देखो कितना कूल है वो, कितने कॉन्फिडेंटली स्टंट कर रहा है। भाई क्या स्टंट किया आपने ये वाला, ज्वेलरी तो आपकी आग लगा देगी, देखो है ना बढ़िया। अरे यार ये तो फैजान है जो इसकी वीडियो बना रहा है। अच्छा बुलाना जरा इसे। फैजान, अरे रिजल भाई अभी यहाँ आ रहा हूँ, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई। अरे भाई यहाँ कैसे घूम रहे हो? फैजान ये जो स्टंट कर रहे हैं ये कौन है? ये मेरा फ्रेंड है स्टंटमैन, ये इंस्टा पर रील्स बनाता है स्टंट्स की और इसकी रील काफी वायरल होती है। अच्छा तुम मेरे फोन में जरा इनकी प्रोफाइल खोल के देना। और भाई यहाँ कैसे घूम रहे हो आज? यार वो बस ऐसे ही घूम रहा था, प्रीत स्टंट देखने लगी इसलिए रुक गया मैं। फैजान आना यार। हाँ भाई आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अच्छा भाई मैं तुमसे मिलता हूँ कल, फ्री होकर मिलता हूँ। ओके बाय। ओके प्रीत बाय। देखो कितनी अच्छी रील्स बना रखी है स्टंट की। चलो अब मुझे घर छोड़ दो। देखो निजामुल तुम स्टंट सीखो और बाद में मुझे भी सिखाना, अगर तुमने स्टंट नहीं सीखे ना तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। यार तुम चाहती क्या हो, मैं जीऊं या ना जीऊं? ये एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे, तुम बस स्टंट सीखो। यार तुम्हें पता है ना स्टंट कितने डेंजरस होते हैं। शिट तुम कितने लूजर हो। बाय प्रीत। हेलो। हाँ भाई। भाई तो मुझे अभी मिल सकता है? भाई आज तो मैं बिजी हूँ, ऐसा करते भाई कल मिलते हैं। अरे यार चल ठीक है भाई। भाई कितना खराब टाइम चल रहा है यार हम दोनों का, कोई भी खुश नहीं है। भाई मेरी इतनी मत सोच, मैं तो अपनी परेशानी दूर कर लूंगा, पर ये तो बता तू परेशान क्यों है? भाई मैं ये सोच के परेशान हो रहा हूँ कि कॉलेज के बाद अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी कि नहीं। अरे भाई जो भी तो है मिल जाएगी, इसमें टेंशन वाली बात क्या है? अरे कहाँ यार, 15 साल कॉलेज और स्कूल में घिसो, उसके बाद हमें चाहिए ही क्या होता है, एक अच्छी सी कंपनी में अच्छी सी जॉब और एक अच्छी सैलरी। लेकिन होता क्या है, बड़े बड़े कॉलेज के बच्चे आते हैं और सब ले जाते हैं। अरे भाई क्यों इतना परेशान हो रहा है, इन सब के लिए रिलेवल है ना। रिलेवल ये क्या है? देख भाई रिलेवल एक ऐसा रेवोल्यूशन प्लेटफॉर्म है जहाँ तू अपनी स्किल अपना टैलेंट प्रूव करके इंडिया की टॉप कंपनीज में अपने ड्रीम जॉब पा सकता है। जैसे मान ले पेटीएम, एयरटेल, ओला और 100+ से भी ज़्यादा कंपनी है, और भाई रिलेवल पे गारंटेड सैलरी है मिनिमम 4 लाख और मैक्सिमम 40 लाख पर एनम तक। अबे जैसे तनिक्स को मिली है जॉब क्रेड पे, वो भी सिर्फ एक टेस्ट देकर। अरे यार ये तो सही है यार, ये काम होता कैसे है? अरे कुछ नहीं यार, रिलायबल एक टेस्ट बेस्ड हायरिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ तुझे इंडिया के टॉप 10 डिमांड एंड हाई पेइंग जॉब के लिए टेस्ट देना है और तू जॉब पा सकता है वो भी 15 दिन में फ्री में। ना ही बड़े कॉलेज चाहिए, ना ही बड़ी डिग्री, ना ही एक्सपीरियंस, बस तेरी एज 18+ होनी चाहिए जो कि है। उसके बाद तुझे टेस्ट देना है और 50% स्कोर करना है, बाकी सब फ्री अवेलेबल है ही। रिलायबल अब तक 16 करोड़ बर्थ जॉब लगवा चुका है और ये अमाउंट डेली बढ़ता जा रहा है, तो समझ ले एक फ्री टेस्ट और तेरी जॉब लग गई। अरे यार तूने तो सही चीज़ बता के गुड न्यूज़ दे दी।
अरे भाई गुड न्यूज और सुन तू, तू किसी भी टेस्ट को सिलेक्ट करने और रजिस्टर करने के बाद वहाँ तुझे टेस्ट प्रिपेयर करने के सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ रेवल अपने टॉप 50 स्कोर्स जो होंगे उन्हें गुडीज दे रहा है, और जो टॉप 3 स्कोर करेंगे उसको मैकबुक, आईफोन और एप्पल वॉच दे रहा है। देख भाई मैं तो बता रहा हूँ, अगर एक टेस्ट अपनी लाइफ बदल सकता है फ्री में तो क्या दिक्कत है, साइन अप कर और टेस्ट दे। हाँ भाई अभी करता हूँ साइन अप। हाँ भाई जल्दी से कर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अच्छा चल तू कर, मैं फिरान के साथ मिलकर आता हूँ। चल ठीक है भाई। भाई मेरी गर्लफ्रेंड तो मेरे पीछे ही पड़ गई कि मैं स्टंट सीखूं उस लड़के की तरह जिसकी तू कल रील शूट कर रहा था, और खुद ही स्टंट सीख के मैं उसको स्टंट सिखाऊं। अगर मैं स्टंट्स नहीं सीखूंगा तो वो मुझसे ब्रेकअप कर लेगी। देख मुझे डर तो बहुत लगता है स्टंट करने से, पर मैं अब करना चाहता हूँ। तू अपने उस दोस्त से बात करना, वो मुझे सिखाए स्टंट। भाई वो फ्री फंड में स्टंट नहीं सिखाता, वो पैसे लेता है स्टंट सिखाने के। कितने पैसे लेता भाई? 20,000 रुपये। भाई इतने तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे मेरे लिए, इतने तो मैं नहीं दे पाऊँगा। तो भाई ऐसा करना, YouTube से सीख ले देख देख कर, उसने भी तो ऐसे सीखा था देख देख कर ही YouTube से। भाई ऐसा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो भाई जल्दी सीख ले पैसे देकर। नहीं नहीं भाई चल मैं YouTube से देख के सीख लूँगा। हाँ भाई यही सही रहेगा। चल मैं चलता हूँ, उसी का फ़ोन आ रहा है यार, उसकी जाके रील बनानी है। चल ठीक है भाई। हेलो। हाँ भाई आ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ आ रहा हूँ। सच में यार बिना हेलमेट के स्टंट करना कितना डेंजरस है, और ये गलती हो रही है मेरे से। चलो कोई नहीं, एक महीने में एक स्टंट सीखा, फाइनली सीख तो गया। प्रीत को फोन करके बताता हूँ कि मैंने स्टंट सीख लिए, खुश हो जाएगी। हेलो प्रीत, मैंने स्टंट सीख लिए। बड़ी जल्दी सीख लिए तुमने। हाँ इतनी जल्दी सिर्फ तुम्हारे लिए सीखे। अरे ये जल्दी नहीं, लेट सीखे हैं तुमने, थोड़ा और लेट सीख लेते। पर तुमने तो अभी कहा बड़ी जल्दी स्टंट सीख लिए मैंने। छोड़ो तुम नहीं समझोगे। हाँ हाँ तुम ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ मिलोगे कब, तुम्हें भी तो स्टंट सिखाऊंगा। नहीं नहीं तुम रहने दो, अब ना मुझे तुम्हारी और ना तुमसे स्टंट सीखने की जरूरत है, और आज के बाद ना मुझे कॉल मत कर देना, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। क्या ब्रेकअप? पर क्यों? क्योंकि तुमने बहुत लेट कर दिया। यार सुनो तो सही। यार नंबर क्यों नहीं लग रहा, ब्लॉक कर दिया क्या? यार इन लड़कियों का बड़ा अजीब है, पहले कहती है कि बहुत जल्दी स्टंट सीख गए, और फिर कहती है लेट हो गए, और ऊपर से ब्रेकअप भी कर लिया। यार इन लड़कियों को समझना ना बहुत ही मुश्किल है। हेलो हामी, तुम खाना बनाओ मैं आता हूँ। ठीक है ठीक। हेलो। हाँ भाई। फैजान तेरे भाई ने स्टंट सीख लिए। क्या? आ जा उसी स्टंट वाली लोकेशन पे, तुझे स्टंट दिखाता हूँ। हाँ भाई आ रहा हूँ। चल ठीक है आ जा। तो भाई कैसा लगा स्टंट? क्या बात है भाई, मजा आ गया, बहुत अच्छा स्टंट था भाई। भाई और भी स्टंट करो ना, बस यही। भाई मुझे अभी एक ही स्टंट आता है, धीरे धीरे सीख लूंगा और भी स्टंट। हाँ भाई धीरे धीरे सीख जाना। और भाई आपने कितनी मेहनत से एक स्टंट सीखा, और अभी गर्लफ्रेंड आपको तभी ब्रेकअप करके चली गई, ये क्या बात हुई यार। हाँ हाँ भाई वही तो, पर कोई नहीं, वो पछताएगी मुझे छोड़कर जब वो मेरे स्टंट देखेगी।
बस मुझे एक बार वो मिल जाए उसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा और दिखा दूंगा उसको कि मैं अब पहला वाला लूजर नहीं रहा, मुझे भी स्टंट्स आते हैं अब। भाई चलो मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने चलते हैं। चल आ जा, आप पीछे बैठो, बाइक मैं चलाऊंगा। भाई आप कितने अच्छे हो यार, आपने मुझे अपनी बाइक एक बारी में दे दी, और वो बाइकर तो मुझे अपनी बाइक चलाने भी नहीं देता था। खैर अब तो उससे मिले हुए भी एक महीना हो गया है। भाई फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड में यही तो फर्क होता है। चल चलते हैं। भाई ये तो मेरी एक्स जा रही है। भाई है तो ये वही। भाई यही सही मौका है इसके सामने स्टंट दिखाने का। एक काम कर, तू पीछे आ, मैं बाइक चलाता हूँ। तुम्हें लगा होगा ना मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, मुझे कोई स्टंट्स वगैरह नहीं आते। अब मैं तुम्हें स्टंट्स करके दिखाता हूँ। फैजान उतरियो जरा। क्या हुआ, चौंक गए मेरे स्टंट्स देख के? मुझे पता है तुम मनी मन पछता रही होगी मुझे छोड़कर। ये देखकर मैं पछता ही नहीं हूँ बल्कि बहुत खुश हूँ कि मैंने बिल्कुल ठीक किया तुम्हें छोड़कर। कितने बड़े लूजर हो यार तुम। तुमने इतना टाइम लगा दिया वो भी एक स्टंट सीखने में। इतने में तो मैंने पता नहीं कितने स्टंट सीख लिए। क्या तुमने भी स्टंट सीख लिए? हाँ अब देखो तुम ये स्टंट। ये तो कमाल के स्टंट सीख गई यार। होश उड़ गए मुझे स्टंट करते देख। मैंने स्कूटी से इतने अच्छे स्टंट कर लिए और तुम्हारे पास इतनी अच्छी बाइक होने के बावजूद तुम एक ही स्टंट सीख पाए, वो भी इतने टाइम में। सच में मैंने कोई गलती नहीं की तुम्हें छोड़ के। पर तुमने इतने अच्छे स्टंट सीखे कहाँ से? फैजान के यार से। क्या उसकी फीस तो 20,000 है, तुमने दे दिए इतने सारे पैसे उसको? कोई अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे थोड़ा ना लेता है कोई चीज सिखाने के। क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड बन गई? बिल्कुल। तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें भी सिखा दूंगी स्टंट। बता देना जब मर्जी फ्री हो, और एक्स होने के नाते 50% डिस्काउंट भी दे दूंगी। एक मिनट। हाँ हेलो, क्या तुम मुझे न्यू स्टंट सिखाओगे? मैं अभी आ रही हूँ 5 मिनट में। बाय। मैं तो चली न्यू स्टंट सीखने, तुम एक बार सीमित रहना। भाई इसको तो आप सबक सिखाने वाले थे, इसने तो आपको उल्टा ही सबक सिखा दिया। भाई तू भी मेरा मजाक बना रहा है अब। भाई मजाक मैं नहीं, वो बना के चली गई अब तो। हे गाइस, होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो पता है ना क्या करना है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ये जो बेल आइकन दिख रहा है ना दबा दो, और यार इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और हाँ गाइस रिलायबल पे साइन अप करो और जॉब पाओ।
लव यू ऑल।